गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था शिक्षण कौशल के प्रकार। शिक्षण कौशल के प्रकार लास्ट वीडियो में मैंने आपको चार कौशलों का वर्णन किया था। प्रथम हमारा कौशल था प्रस्तावना कौशल, सेकंड था हमारा कक्षा कक्ष प्रबंध कौशल, थर्ड था हमारा शामपट कौशल और फोर्थ था हमारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ये हमारे कौशल थे। अब हम जो नेक्स्ट कौशल पढ़ेंगे वो है हमारा पुनर्बलन कौशल। फिफ्थ नंबर का कौशल है हमारा पुनर्बलन कौशल। जिसे हम इन्फ्लुएंस कौशल भी कहते हैं या हम उसे फीडबैक कहते हैं। ये हमारा कौशल होता है पुनर्बलन कौशल। इस कौशल के लिए कहा जाता है कि जो पूर्व में हम जो क्रिया करते हैं ऐसे कौशल का प्रयोग करते हैं, हम ऐसे पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं जिसमें पहले से किए गए पुनर्बलन को हम हटाते हैं और उसमें हम नवीन को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? हमने कई बार देखा है कि बच्चे जो क्रिया करते हैं, हो सकता है कि पहले उन्होंने गलत किया हो, हमने उन्हें डांटा हो, हमने उन्हें नेगेटिव पुनर्बलन दिया हो, लेकिन जब दोबारा बच्चा उस कार्य को करते हैं और उस कार्य में सुधार करते हैं तो पहले वाले कौशल को हटाते हुए उनसे ये कहते हैं कि पहले आपने अच्छा नहीं किया लेकिन अब बहुत अच्छा किया। यानी कि हम उस जो पहले जो कौशल का प्रयोग किया उससे हमने हटा दिया और उसके साथ हमने नवीन पुनर्बलन फीडबैक उसमें जोड़ दिया। इस पुनर्बलन कौशल के लिए कहा जाता है एक तरीके से छात्रों को जब शिक्षक के द्वारा ये कौशल प्रदान होता है, इससे उनके अंदर जो क्रिया करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके अंदर उनको उत्सुकता प्रदान करने के लिए, एक मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हम इन कौशलों का प्रयोग करते हैं। कई बार हम जहाँ बच्चे गलती करते हैं हम उन्हें टोकते हैं, यानी कि उनकी गलतियों को सुधारने के लिए, साथ में उनकी प्रशंसा करने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। यानी कि पुनर्बलन हम दोनों तरीके से प्रयोग में लेते हैं। ये सबसे चीज ये है कि छात्र की क्रियाओं में सुधार करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब ये पुनर्बलन हम कहते हैं कि शिक्षक के द्वारा कई तरीके से हमें प्रदान किया जाता है। हम देखते हैं कि इसमें शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरीके से हमें पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। शाब्दिक में होता है शिक्षक मुंह से बच्चों को बोलता है बहुत अच्छा, उत्तम, गुड, इन शब्दों का बच्चे शाब्दिक रूप से प्रयोग करते हैं। लेकिन अशाब्दिक रूप से जब बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं तो शिक्षक कैसे करते हैं, या तो उन्हें अपनी संकेतों के माध्यम से बोलते हैं कि नहीं सही नहीं है, या हम कहेंगे कि बहुत, यानी कि वो अपने संकेतों के माध्यम से बच्चों को फीडबैक देते हैं, ये पुनर्बलन प्रदान करते हैं। तो कहते हैं कि पुनर्बलन हमारा दो तरीके के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। इस तरीके से जब पुनर्बलन का हम प्रयोग करते हैं तो पहले से जो कार्य किया जाता है या पहले का जो पुनर्बलन होता है उसे तो हटा दिया जाता है, जिससे छात्र शिक्षक या हम कहें विद्यार्थी इसके लिए अनुक्रिया में बने रहते हैं। यानी कि वो अपनी क्रिया करते रहते हैं अनुक्रिया में, यानी कि पहले उन्होंने कार्य किया तभी तो शिक्षक को ये पता चला कि बच्चे ने पहले जो कार्य किया उसमें क्या गलती थी और अब कर रहे हैं तो उसमें क्या गलती, यानी कि उसमें छात्र की अनुक्रिया बनी रहने के लिए हम इस पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं। साथ में जैसे छात्रों को जो हम शाब्दिक और अशाब्दिक पुनर्बलन देते हैं तो एक तरीके से उनके अंदर उत्साह का संचार होता है, वो अपने कार्य को और बेस्ट करने की सोचते हैं, इसीलिए हम इन कौशलों का प्रयोग करते हैं। हम ये बोलेंगे पूरा देने के लिए, कई बार हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है, हम कहते हैं ना लालच में, लालच के अंदर या प्रलोभन के अंदर हम अपने कार्य को बेस्ट करने की सोचते हैं। हम देखते हैं कि एक छोटे बच्चे को हम टॉफी का अगर लालच देंगे उसके लिए वो भी एक पुनर्बलन है। बच्चों को हमने कहा कि आपको ये A to Z आपको अल्फाबेट लर्न करने, अगर बच्चा उस चीज को
लर्न करता है, उसे सुनाते हैं, हम उसे जहाँ पुनर्बलन तो देते हैं, साथ में हम उसके लिए एक तरीके से टॉफी भी उसका पुनर्बलन का काम करते हैं। तो वो क्यों कर रहा है कि उस अनुक्रिया को वो करते रहे और आगे वो अच्छा कार्य करे, इसीलिए हम वो पुनर्बलन कौशल का प्रयोग करते हैं। तो शिक्षक के लिए, जब तक शिक्षक विद्यार्थी को पुनर्बलन प्रदान नहीं करता है, तो छात्र अपनी अनुक्रिया में कहीं ना कहीं अनुक्रिया छोड़ दे, अगर शिक्षक हमें पुनर्बलन प्रदान ना करे। क्योंकि जो छात्र होते हैं उनके लिए शिक्षक की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है, वो उसी के आधार पर कार्य करते हैं कि कहां हमने, अगर एक शिक्षक उनको मोटिवेट करते हैं तो इससे उनका उत्साह दुगना हो जाता है। उस उत्साह को दुगना करने के लिए हम इस पुनर्बलन को काम में लेते हैं, साथ में उस क्रिया में बने रहने के लिए और अच्छा कार्य करने के लिए हम इस कौशल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आता है हमारा खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। पहला हमारा था प्रस्तावना प्रश्न कौशल, लेकिन ये है हमारा खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। कई बार ये होता है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के लिए हम कहेंगे कि यदि कोई छात्र किसी से प्रश्न का उत्तर न दे पा रहा हो तो हम क्या करते हैं कि उससे संबंधित दूसरा प्रश्न करते हैं, यानी कि उसी प्रश्न का पर्याय, यानी कि दूसरा रूप, यानी कि उसका भी वही उत्तर हो और उस प्रश्न का भी वही उत्तर हो। हम ये कह दें बच्चे से पूछे कि बच्चों ये जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ये कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं। अगर हम देखें कई बार बच्चे इस प्रश्न को नहीं दे पाते हैं इसका आंसर, तो हम उसे दूसरी तरह से घुमा के पूछ सकते हैं कि मनुष्य जिस गैस का श्वसन क्रिया में काम में लेते हैं वो कौन सी गैस है, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चों को घुमा के उसका आंसर O2 देना रहेगा। कि C2 तो वो ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं, और O2 को कौन लेते हैं काम में, हम मनुष्य काम में लेते हैं, प्राणी इस चीज को काम में लेते हैं। तो इस तरीके से हम प्रश्न के अनुसार एक प्रश्न का, जिसे हम कहें प्रश्न में से दूसरा प्रश्न खोजना, ये हमारे प्रश्न कौशल की महत्वता होती है। और प्रश्न कौशल क्यों करते हैं हम खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, उस टॉपिक को रोचक बनाने के लिए, उस विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए, या हम कहें उसके विभिन्न स्तर को जानने के लिए। साथ में ये एक तरीके से जो छात्र होते हैं उनके अंदर एक चिंतन प्रक्रिया का विकास भी ये क्रिया करती है, क्योंकि इसके साथ जहां हमें एक प्रश्न के साथ हमें दूसरे प्रश्न का भी उत्तर प्राप्त होता है, तो हमारे ज्ञान में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। यानी कि हमने एक चीज का तो ज्ञान प्राप्त किया ही है, साथ में हमें दूसरी चीज की भी नॉलेज हुई है। तो इसीलिए हम इन प्रश्न कौशल का, जो खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का हम प्रयोग करते हैं, पहले प्रश्न से संबंधित हम उससे दूसरा प्रश्न करते हैं, यानी कि उसी से संबंधित जिसका आंसर उत्तर सेम हो, जिससे छात्र के अपना जो पूर्व ज्ञान होता है उससे भी वे अपने टॉपिक को जोड़ देते हैं। ये हमारे प्रस्तावना कौशल की विशेषता होती है, सॉरी प्रश्न कौशल की, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल की विशेषता होती है, जिसमें कि हम प्रश्न में से हम दूसरा प्रश्न खोजते हैं। बाद में आता है हमारा उद्देश्य कौशल। उद्देश्य कौशल, उद्देश्य कौशल, उद्देश्य क्या है हमारे, जो हम कह रहे हैं, हम हमारे जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम जो कार्य करते हैं वो हमारे उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य है कि जब हम शिक्षण कार्य हमेशा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसित करने वाला होना चाहिए। हम देखते हैं कि अगर हमारे लिए कोई ज्ञान अगर हमारे लिए जरूरी नहीं है तो क्या हम उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे, नहीं। यानी कि ये कही गई है कि ज्ञान ऐसा हो जो कि सार्थक हो, सार्थक हो, साथ में हमारे भविष्य में काम आने वाला हो, उद्देश्य पूर्ण हो। क्योंकि अगर उद्देश्य पूर्ण कोई ज्ञान नहीं होगा हम उस ज्ञान को ग्रहण नहीं करेंगे। अगर हमें हमारी चीज हमारे लिए उद्देश्य पूर्ण हुई,
हमारे जीवन में प्रयोग आने वाली रही तो हम उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हम अग्रसित होंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब हम तक हमारा शिक्षण कार्य उद्देश्य पूर्ण, अगर कहते ना कि शिक्षक अगर जो शिक्षण करवा रहे हैं अगर वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, वो टॉपिक उनके लिए बच्चों के लिए लाभदायक नहीं है, उद्देश्य पूर्ण नहीं है, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अगर उन्हें रुचि जागृत करनी है तो हमें ऐसे विषय वस्तु या ऐसे टॉपिक का हमें चयन करना चाहिए जो हमारे लिए हमारे उद्देश्य की पूर्ति कर पाता हो, साथ में वो हमारे भविष्य में काम आने वाला हो। इसीलिए जो शिक्षक अपने ऐसे ही विषय वस्तु का चयन करते हैं या कहें कि ऐसे कौशल का प्रयोग करते हैं जो उद्देश्यपूर्ण हो, वो जब अपने पूर्ण नियोजित प्रक्रिया के द्वारा वो कक्षा में प्रवेश करते हैं तो वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमें ऐसा टॉपिक लेना है जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करवाए। ये हमारे शिक्षण कौशल का एक उद्देश्य कौशल होना बहुत जरूरी होता है। शिक्षण कार्य हमेशा उद्देश्यपूर्ण हो, जो कि कक्षा में पढ़ाया जा रहा है उसका एक अपना निश्चित उद्देश्य हो, वही कार्य या हम कहें वही हमारा विषय वस्तु, वही हमारा टॉपिक बच्चों को कराया जाना चाहिए, जिससे क्या होते हैं बच्चे छात्र उद्देश्य विहीन नहीं होते हैं, वो अपने पथ से नहीं भटकते हैं। तो अगर हमें उन्हें उद्देश्यपूर्ण हमें ज्ञान देना है तो हमें हमारे टॉपिक को उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए। हमें छात्रों को उद्देश्य विहीन ना बनाने के लिए हमें हमारे विषय वस्तु का ऐसा चयन करना चाहिए जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया को एक उद्देश्यता पूर्ण करवाए, हमें जिन लक्ष्यों को हम लेकर चले उस लक्ष्य की हमें प्राप्ति करवाए, ये हमारा इसके लिए होता है। साथ में नेक्स्ट आता है हमारा उदाहरण यानी कि जो हम एग्जांपल देते हैं, उदाहरण या दृष्टांत कौशल, उदाहरण या दृष्टांत कौशल एग्जाम्पल, यानी कि हम कहते हैं जब बच्चों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो शिक्षक क्या करते हैं, उस ज्ञान की उस टॉपिक की नॉलेज देने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए शिक्षक उसका एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। हो सकते हैं कि वो एग्जाम्पल वो बच्चों को किसी चार्ट के माध्यम से, कोई चित्र दिखाकर, कोई मॉडल दिखाकर वो बच्चों को दे, या ऐसा भी हो सकता है जैसा इसमें कहा है उदाहरण दृष्टांत यानी कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर, दृष्टांत जो हमें दिखाई दे रहा है। कई बार हम देखते हैं कि जब बच्चों को अपने ये चुंबकीय बल का, जब बच्चे एग्जाम अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, शिक्षक उसको बल के बारे में पढ़ाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, तो बच्चों के लिए क्या करेंगे वो दो बच्चों को खड़ा करके और एक बच्चे के धक्का लगा के, यानी कि वो दृष्टांत वो उस चीज को करके दिखा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो ये चीजें जब होती हैं, ये चीज इन कौशल का प्रयोग क्यों करते हैं शिक्षक, क्योंकि इस कौशल के प्रयोग के माध्यम से बच्चों को जो अपना टॉपिक होता है उसको समझने में आसानी और सरलता प्रदान होती है, साथ में उसमें रोचकता भी आती है। एक चीज को हम प्रैक्टिकल करके दिखाएं उस चीज में बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे बजाय हम उस चीज को ओरल बताएं, यानी कि उदाहरण प्रस्तुत के साथ अगर हम किसी चीज को समझाते हैं तो वो चीज जल्दी समझ में आती है। उदाहरण के माध्यम से बच्चों को समझाना और हम जो चीजें दिखाते हैं, जैसे हम कहें किसी कहानी के माध्यम से कहानी दिखाते हुए, आजकल हम देखते हैं कि बच्चों की जब एलईडी पढ़ते हैं, आज टेक्निक जो हमारी टेक्निक लाइन आ गई है तो बच्चे उसमें अपने चलचित्र चलते रहते हैं और बच्चे उस चीज को देखते रहते हैं। हम स्लाइड में हमारे लेसन प्लान बनाते हैं, उसमें हमारे कंप्यूटर के और पीपीटी के अनुसार हम देते हैं तो उसमें हमारे क्या करते हैं इंटरेस्ट होता है। कहते हैं कि उदाहरण ऐसा है जो कि उदाहरण दृष्टांत कौशल जो अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सबसे प्रभावी बनाने का
एक सबसे अच्छा तरीका होता है शिक्षक के लिए कि वो किस तरीके से अपने शिक्षण को प्रभावी बनाए, यानी कि जो अपने किस माध्यम से वो उसमें चित्रों का, मानचित्रों का अपना वास्तविक एग्जाम्पल देंगे। जो मैंने अभी बताया आपको कि अगर बल के बारे में पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक दो बच्चों को खड़ा करके और एक दूसरे के पीछे वो धक्का लगा के, यानी कि वो प्रत्यक्ष उस चीज को करके वास्तविक रूप से वो उसको करके दिखाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों में करके सीखने की जागृति प्राप्त होती है। ये सबसे चीज है कि उदाहरण दृष्टांत कौशल बच्चों में किस प्रवृत्ति का जागरण करते हैं, जागरूक करते हैं। तो इसके लिए हम दिखाएंगे कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा क्या करते हैं, ये करके सीखने की प्रवृत्ति जागृत करती है। ये हमारे इस कौशल का एक मेन उद्देश्य होता है, क्योंकि हमने देखा है ना कि जब तक बच्चे स्वयं किसी चीज को करेंगे नहीं तब तक वो उसमें रुचि नहीं लेंगे। तो वही एग्जाम्पल इसीलिए दिया जाता है कि बच्चे इसमें इंटरेस्ट लें और इसे वास्तविकता से और इस एग्जाम्पल के द्वारा बच्चों को वो चीज जल्दी समझ में आए। साथ में हमें सावधानी, सार्थक और सरल और रोचक बनाने के लिए हम इस कौशल का प्रयोग करते हैं, जिससे जो उद्देश्य हम लेकर चल रहे हैं वो उद्देश्य हमारे सार्थक हो, हमें उसकी प्राप्ति हो। लास्ट में जो नेक्स्ट हमारा शिक्षा जो कौशल है वो है हमारा व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल जिसे हम लेक्चर स्किल कहते हैं, इस कौशल के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जो व्याख्यान कौशल होता है ये हम किसके माध्यम से, यानी कि जो हमारे उच्च माध्यमिक स्तर के में होते हैं हम उनके लिए इस कौशल का प्रयोग करते हैं। ये कौशल हमारे प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए ये कौशल हमारे लिए प्रभावी नहीं होता। तो इस कौशल के लिए हम प्रयोग करते हैं वो हम देखते हैं कि हम उस माध्यमिक स्तर के लिए हम इस कौशल का प्रयोग करते हैं। इस कौशल में हम क्या करते हैं कि ये यानी कि किसके लिए होता है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए, ये बड़ी कक्षाओं के लिए, कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। यानी कि लेक्चर जब बच्चे किसी चीज को समझने की क्षमता रखने लगे तभी हम इस कौशल का प्रयोग करते हैं। छोटे बच्चे जहां अगर टीचर बोलते रहे तो वो समझ नहीं सकते, इसीलिए इस कौशल का प्रयोग जब किया जाता है कि जब छात्र परिपक्व हो जाता है, किसी चीज को समझने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए इसे हम बड़ी कक्षा में इसमें प्रयोग में लेते हैं। व्याख्यान कौशल इस तरह से कैसे करते हैं, हम लेक्चर जो देंगे, लेक्चर देने के लिए भी हमें पहले हमारे टॉपिक को, हमारे विषय वस्तु को हमें पूर्व ज्ञान से हम उसे संबंधित रखते हैं, तब जाके हम उसके बारे में समझाते हैं। अगर शिक्षक ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चों को वो चीज समझ में नहीं आती है। हम देखें कि क्लास में अध्यापक हमारे आए और उन्होंने लेक्चर देना शुरू कर दिया, लेकिन वो लेक्चर क्या बच्चों को समझ में आएगा नहीं, जब तक कि शिक्षक बच्चों को जो नवीन ज्ञान दे रहे हैं उस टॉपिक को जब तक पूर्व ज्ञान से नहीं जोड़ेंगे तब तक बच्चों को वो ज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम जब लेक्चर देते हैं तो उस टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो टॉपिक बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो टॉपिक हमारा पूर्व ज्ञान से संबंधित है या नहीं उसके, क्योंकि अगर हमें नवीन ज्ञान का नवीन उसका ज्ञान देना है तो हमें पहले उसे पूर्व ज्ञान से हमें जोड़ना होगा। जब तक वो पूर्व ज्ञान से नहीं जोड़ पाएंगे बच्चों को वो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमें उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसे जल्दी समझ में आने के लिए हमें प्रीवियस ज्ञान से, पूर्व ज्ञान से हमें उसे जोड़ना होता है। फिर है हमारा लास्ट में शिक्षण सहायक सामग्री के लिए कहा जाता है कि शिक्षक
जब अपनी शिक्षण प्रक्रिया करवाते हैं तो बिना सहायक सामग्री के शिक्षक अधूरे होते हैं। ये कारण कि जिस तरीके से सैनिक अपने युद्ध क्षेत्र में बिना हथियार के निर्बल होता है, उसी तरीके से शिक्षक भी जब तक शिक्षा के क्षेत्र में उनसे उनके शिक्षण से संबंधित उनकी सहायक सामग्री उनके पास नहीं होगी, वो भी उसी तरीके से निर्बल होंगे। अगर उन्हें हमारे ज्ञान को रोचक बनाने हैं तो हम उससे संबंधित विभिन्न शिक्षण सामग्री को हम काम में लेते हैं। उससे संबंधित जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं इस कौशल के अंदर, जो भी हमारी दृश्य श्रव्य सामग्रियां हमारे काम में आती हैं, उन सभी सामग्रियों को हम हमारे शिक्षण प्रक्रिया के लिए काम में लेते हैं और इनका एक कुशलता पूर्वक हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम देखें कि सहायक सामग्री हमारे, यानी कि सहायक सामग्री किसके अनुरूप होनी चाहिए, हमारे पाठ्यक्रम के अनुरूप, यानी कि जिस चीज का हम बच्चों को ज्ञान देने जा रहे हैं उससे संबंधित सारी सामग्री शिक्षक के पास होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उस शिक्षण सामग्री का जो प्रभाव है वो शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया पर पड़ेगा। इसीलिए अगर हमें शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है तो हमें पूर्ण रूप से उन्हें सहायक सामग्री भी प्रदान होनी चाहिए। तो इसीलिए और साथ में शिक्षक को उन सहायक सामग्रियों का यथा संभव या कहें कि उचित प्रयोग करना भी आना चाहिए। जिस जगह जिस सामग्री का प्रयोग हो उसी सामग्री का उन्हें प्रयोग करना चाहिए। तो ये हमारे 10 शिक्षण कौशल थे और ये शिक्षण कौशल हमारे महत्वपूर्ण होते हैं, इनसे संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।